नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्य के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली थी। आज इस क्लास में हम बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेज आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक होगी और आपकी सफलता में बहुत बड़ा इसका योगदान होने वाला है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध संघ जो हमारा था, उस बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली क्या थी, बौद्ध संघ में किस प्रकार से कार्य होते थे, उनकी व्यवस्था क्या थी। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है उपसंपदा। अगर आपसे पूछा जाए कि उपसंपदा क्या है दोस्तों, तो उपसंपदा क्या है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना ही उपसंपदा कहलाता था। यानी जैसे हम कहें स्कूल में प्रवेश लेना एडमिशन कहलाता है, उसी प्रकार से बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना क्या कहलाता था, उपसंपदा कहलाता था। यानी जैसे अभी हम कहते हैं कि हमने स्कूल में एडमिशन लिया है, वैसे ही हम कहते हैं उपसंपदा। तो ये बात थी। उसके बाद में देखिएगा, जो स्टूडेंट या जो लोग थे उपसंपदा कर लेते थे या संघ में प्रविष्ट हो जाते थे, तो जिनको सदस्यता मिल चुकी है, यानी सदस्यता लेने वाले पहले श्रमण का दर्जा प्राप्त किया करते थे, यानी पहले उनकी डिग्री जो थी या उनका जो नाम हुआ करता था उनको श्रमण कहा जाता था। 10 वर्ष बाद में उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती तो उसको क्या कहा जाता था, भिक्षु कहा जाता था। 3 शब्द यहाँ पर हमने देखे हैं, उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। उपसंपदा तो क्या है, संघ में हमने क्या लिया, प्रवेश लिया। प्रवेश लेते ही जो कहलाएगा व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, श्रमण कहलाएगा। श्रमण कब तक रहेगा, 10 साल तक रहेगा। जब इसके 10 साल पूरे हो गए तो अब इसको क्या कहा जाएगा, अब इसी को भिक्षु कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, बौद्ध संघ की जो संरचना प्रणाली थी यानी कार्य प्रणाली थी, तो वो कैसे हुआ करती थी, लोकतंत्रात्मक थी। लोकतंत्रात्मक का मतलब अपने क्या लेंगे कि जैसे एक समिति होती है और वो मिलजुल करके जो डिसीजन लिया करती है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर गणतंत्र प्रणाली हुआ करती थी। यहाँ पर देखिएगा, अनुसावन ये एक शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट है अनुसावन। ये होता क्या था, देखिएगा संघ की जब भी सभा होती थी, हमने कहा ना कि कैसे प्रणाली थी, ये लोकतांत्रिक यानी गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, जिसमें प्रस्ताव पास होने हुआ करते थे कुछ भी करने के लिए। तो संघ की सभा में प्रस्ताव या नत्ति का पाठ होता था, प्रस्ताव के पाठ को ही क्या कहते थे, अनुसावन कहते थे। यानी प्रस्ताव का जो पाठ होता था उसे ही अनुसावन कहते थे। और वेद कार्यवाही के लिए, यानी उसको कार्यवाही माना जाए, जैसे आज के समय में किसी भी बैठक के अंदर कोरम होता है या नहीं होता, 1/10 का, वैसे ही यहाँ पर कोरम जो था वो 20 हुआ करता था। कितना होता था दोस्तों, 20 का कोरम जो था वो पूरा होना होता था। प्रत्येक 15वें दिन, यानी कि एक बार पूर्णिमा आती है मंथ में और एक बार अमावस्या आती है। यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को सायम उपोस्त नामक सभा होती थी। कौन सी सभा होती थी, सायम उपोस्त, और ये कब हुआ करती थी, हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को जो है सायम उपोस्त हुआ करती थी। इसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। किसका पाठ किया जाता था दोस्तों, पातिमोक्ष का। अब पातिमोक्ष क्या है, पातिमोक्ष है विनय पट्टिका की एक सूची है, जिसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है, उसका पाठ किया जाता था, और नियम कानून जो भी हैं उसके वहां पर उस समय बनते थे। पर्वन, पर्वन क्या है दोस्तों, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह कहलाता था, पर्वन के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा इसको दोबारा से समझ लीजिएगा। उपसंपदा क्या है दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना। जो प्रविष्ट होता था वो क्या कहलाता था, श्रमण कहलाता था। 10 साल तक श्रमण कहलाएगा, फिर क्या कहलाता था, भिक्षु। बौद्ध धर्म की संघ की संरचना प्रणाली कैसी थी, गणतंत्र थी। अनुसावन क्या था, सभा में जो प्रस्ताव का पाठ होता था उसे ही हम अनुसावन कहते थे। और पातिमोक्ष का पाठ कब किया जाता था, प्रत्येक 15वें दिन है पूर्णिमा और अमावस्या को, जो सभा होती थी उसे सायम उपोस्त के नाम से जानते थे दोस्तों। पर्वन क्या है, वर्षा ऋतु में वो किसी प्रकार का धर्म प्रचार नहीं किया करते थे, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में जब वो प्रवास किया करते थे भिक्षु, तो वो अपराध को स्वीकार करना ही क्या कहलाता था, पर्वन कहलाता था।
अब उपवास देखिएगा, उपवास का बड़ा महत्व है इसके अंदर। बौद्धों के लिए 4 दिन उपवास करना जरूरी था। 1 महीने में 4 उपन्यास हुआ, सॉरी उपवास हुआ करते थे, 1 अमावस्या को, 1 पूर्णिमा को और 2 चतुर्थी को, 1 जो है शुक्ल पक्ष की और 1 जो है अपने कृष्ण पक्ष की हुआ करती थी। ये 2 चतुर्थी को और 1 अमावस्या को और 1 पूर्णिमा को 4 दिन बौद्ध जो थे उनके लिए उपवास का प्रावधान हुआ करता था, ये उनको करना होता था। अब देखिएगा दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का आज भी महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा का बुद्धों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व था। सबसे पवित्र दिवस या पर्व या त्यौहार कहें तो वो वैसाख पूर्णिमा ही माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण की जो घटना है वो इससे जुड़ी हुई है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध पूर्णिमा कब आती है, तो वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा आती है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे होते थे, 1 तो भिक्षु और 1 होता था उपासक। जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे वो 2 भागों में बंटेंगे, 1 तो कौन सा हो गया दोस्तों, भिक्षु हो गया और 1 हो गया उपासक। इसी को पुल्लिंग में उपासक उपासिकाएं हो गई और भिक्षु और भिक्षुणी हो गई। तो इस प्रकार से हम इसको देखते थे बौद्ध संघ की जो क्रियाकलाप हैं, जो इनमें से देखिएगा, ये तो हमने कहा बौद्ध संघ में जिसने प्रवेश ले लिया तो वो क्या कहलाया था, श्रमण कहलाया था। 10 साल हो गए तो वो भिक्षु कहलाने लगा। अभी उपासक कौन हुआ करते थे, जो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को मानते थे वो उपासक कहलाते थे दोस्तों। यानी जो गृहस्थ लोग थे वो भी बौद्ध धर्म को मान सकते थे और जो मठ में जाकर के रह सकते थे वो भी रहा करते थे। तो बौद्ध संघ में जो प्रवेश लेते थे तो वो पहले श्रमण और फिर भिक्षु कहलाया करते थे। और उपासक और उपासिकाएँ कौन थे, जो बौद्ध धर्म को अपने घर में यानी गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को मानते थे। देखिएगा बौद्ध धर्म के 2 भाग हुए, हीनयान और महायान। पिछली क्लास में हमने देखा था, तो हीनयान और महायान जो है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म जो है स्वतंत्र 2 भागों में विभाजन हो गया और इन संप्रदायों में भी आगे से आगे और विभाजन हो गया। हीनयान और महायान में तो विभाजन हुआ ही हुआ, इनमें भी आगे और विभाजन हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हम हीनयान के जो संप्रदाय हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो हीनयान का संप्रदाय है वैभाषिक। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वैभाषिक जो है वो किस संप्रदाय का है, तो बौद्ध धर्म में हीनयान, हीनयान का ये उप संप्रदाय है। क्या है दोस्तों, उप संप्रदाय है धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान। हीनयान का है वैभाषिक। अगर आपसे पूछा जाए इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी कश्मीर में। अब इनकी बात क्या थी, तो इसके अनुयायी जो है चित्त और बाह्य वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही हो सकता है, अन्य किसी दूसरे साधन से संभव नहीं है। तो दोस्तों क्या ये क्या कहा करते थे, चित्त और बाह्य वस्तु को मानते थे। इन शॉर्ट हम ये समझें, ये ऐसा मानते थे कि वस्तुओं का अगर हमें ज्ञान करना है तो वो प्रत्यक्ष से ही संभव है, अन्य किसी भी दूसरे साधन से संभव नहीं है। फिर देखिएगा सोत्रांतिक। सोत्रांतिक जो है वो सुत्त पिटक पर आधारित है। किस पर, सुत्त पिटक पर आधारित है। ये चित्त और बाह्य जगत दोनों में, दोनों की सत्ता में को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वे यह नहीं मानते कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है। बाह्य जगत की वस्तुओं को जो हम अनुभव करते हैं वह वस्तुतः हमारे मन के विकल्प मात्र हैं, विचारों के ही प्रतिरूप हुआ करते हैं। जैसा वैभाषिक ये कहते थे वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष हो सकता है और कोई साधन नहीं है, ये उसमें विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे कि वस्तुओं को जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे मन के केवल विकल्प हैं, यानी विचारों का ही अपने उसको प्रतिरूप मान के चलते हैं। महायान के संप्रदायों की बात करें तो एक तो आता है माध्यमिक, जिसे हम शून्यवाद कहते हैं, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक थे नागार्जुन। तो यहाँ याद रखना है माध्यमिक किससे जुड़ा हुआ है, महायान से। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहा हमने, माध्यमिक या शून्यवाद जो है वो महायान संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। क्या है, महायान संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है, इसे हम सापेक्षवाद भी कहते हैं और इसके जो प्रवर्तक हैं वो थे नागार्जुन। अब ये कहते क्या हैं, इनके अनुसार किसी न किसी
कारण से ही कोई वस्तु उत्पन्न हुई है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद की जो हमने अवधारणा सुनी थी वही नागार्जुन का शून्यवाद है दोस्तों। फिर देखिएगा विज्ञानवाद या फिर योगाचार, ये किसका है? महायान का है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसका है? महायान का। इस मत की जो स्थापना है वो मैत्रेय के द्वारा की गई थी। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विज्ञानवाद की संप्रदाय जो था, उपसंप्रदाय था, महायान का उपसंप्रदाय था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो मैत्रेय के द्वारा की गई थी। और ये मत जो है चित्त और विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता को स्वीकार करता है। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण ही इसे योगाचार कहते हैं। क्या कहा हमने दोस्तों? योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण ही ये योगाचार कहलाता है। फिर इन्हीं बौद्ध धर्म का ही आगे खंडित होते हुए फिर ये वज्रयान भी आता है। वज्रयान हम कह सकते हैं तंत्र मंत्र वाला, सिद्धियों वाला जो संप्रदाय था वो इसमें आता है। ये हिंदू धर्म के तांत्रिक शैव और शाक्त पूजा के समान ही इसे स्वीकार किया जाता है। और ये 8वीं शताब्दी के आसपास बंगाल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा था। बंगाल के पाल शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। किसने किया था? पाल शासकों ने। इस मत की प्रधान देवी जो थी वो हुआ करती थी तारा। अब हम हीनयान और महायान के उपसंप्रदायों को हमने देखा, अभी हम बात कर लेते हैं हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर क्या है दोस्तों, क्या क्या अंतर इन दोनों में है, हम उसके विषय में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि वो चीज़ें भी हमें याद रह जाए और कुछ भी छूटे नहीं हमारा। तो दोस्तों यहाँ जो आपने एक तो पहले हमने जो चर्चा की थी हीनयान जो संप्रदाय है उसके उप संप्रदाय कौन कौन से आपको याद होगा? हीनयान का था एक तो वैभाषिक और दूसरा कौन सा था दोस्तों आपको याद होगा? सोत्रांतिक। इसी प्रकार से महायान का कौन कौन सा था? महायान का कौन कौन सा था? एक तो माध्यमिक जिसे हमने शून्यवाद भी कहा था और दूसरा कौन सा था? विज्ञानवाद था जिसे हमने योगाचार भी कहा था। ये तो इसके उप संप्रदाय थे। अब इनमें डिफरेंस क्या था वो भी अपने देख लेते हैं। नंबर एक तो हीनयान में जो बुद्ध हैं वो महापुरुष के रूप में माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? महापुरुष के रूप में। देवता का रूप यहाँ नहीं कहा गया, लेकिन महायान में जब आते हैं तो बुद्ध जो है वो देवता के रूप में स्थित हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। और यहाँ छोटी सी बात हमने समझी, हीनयान में जो लोग हैं वो अनुयायी हैं वो बुद्ध को एक पुरुष मानते हैं, पुरुषों में महापुरुष उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन महायान में इसे देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। हीनयान में बुद्ध को जो दिखाया जाता है प्रतीकों के द्वारा, यानी मूर्तियाँ यहाँ नहीं हैं, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा है, महायान में ही मूर्ति पूजा शुरू होती है क्योंकि इसी में जो है वो देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, ये कहता है भी आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे मुक्ति के लिए, लेकिन महायान जो है गुणों के स्थानांतरण पर भी बल देता है, ट्रांसफर पर भी बल देता है। हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत पद की प्राप्ति, लेकिन महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। अगर आपसे पूछा जाए बोधिसत्व की परिकल्पना कहाँ है तो वो महायान में है। अब हम देख लेते हैं बोधिसत्व क्या होता है। महायान का आदर्श है बोधिसत्व, अभी हमने कहा बोधिसत्व जो है वो करुणामय माने गए हैं और यही समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग में चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव भी हो सकते हैं और पशु भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो महायान का उसमें के अनुसार बोधिसत्व होते हैं जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के लिए चलाने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित भी कर देते हैं। कोई मानव पशु किसी भी रूप में हो सकता है। बौद्ध साहित्य के विषय में चर्चा कर ले, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटकों में मिलता है। किसमें मिलता है? त्रिपिटक जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनकी भाषा पाली में है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला पिटक है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ संबंधी नियम, भिक्षुओं के आचार विचारों का संग्रह, प्रथम बौद्ध संगीति में इस उपाली के द्वारा किया गया था। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म संघ संबंधी जो भी नियमावली है, भिक्षु क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो इसमें बताया गया। और ये जो संकलन है वो प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर उपाली के द्वारा किया गया था। इसके भी भाग हैं पातिमोक्ष, अभी हमने देखा था सुत विभंग, खंडक, परिवार पाठ, ये सारे इसी के भाग हैं। तो विनय पिटक क्या है? विनय पिटक में बौद्ध संघ में जब ये जो हमने देखा था ना कैसे काम होंगे वो सारा इसमें है। भिक्षु क्या करना है क्या नहीं करना है ये है। और ये जो संकलन किया गया था वो प्रथम बौद्ध संगीति के समय उपाली के द्वारा किया गया था।
फिर दूसरा पिटक आता है शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। याद रखिएगा, विनय पिटक में तो क्या है, संघ संबंधी नियम है। शुद्ध पिटक में क्या है, सैसे, याद रख लीजिएगा, सैसे सिद्धांत। तो शुद्ध पिटक में सिद्धांत और उपदेश है। इसके पांच भाग हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शुद्ध पिटक का भाग है। इसमें 16 महाजनपद और 10 गणराज्य जो पढ़ते हैं उनका है, खुद्दक निकाय और अलग अलग प्रकार की जातक कथाएं, विभिन्न जातक कथाएं। फिर तीसरा पिटक आता है अभिधम पिटक। याद करिएगा दोबारा से, विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम। कौन से नियम, संघ संबंधी। शुद्ध पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। अभिधम पिटक में क्या है, दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह। अभिधम पिटक में क्या है, दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह। इसका तृतीय बोध संगीति में मोगलीपुत्र तिस के द्वारा इसका संकलन किया गया था, अभिधम पिटक का। इसमें 7 ग्रंथ है, कथावत्तु, विभंग, धातु कथा, दम संगणी, पट्टान और युगल पंचती इसमें शामिल है। बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या थी, सबसे पहली बात तो बौद्ध धर्म ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, यानी कोई आत्मा और ईश्वर नहीं है। वेद के जो प्रमाण, वेदों को प्रमाण वाक्य नहीं मानते हैं, अतः बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं थी, ऐसी कठोरता यहाँ देखने को नहीं मिलती। वर्ण भेद यहाँ नहीं हुआ करता था, वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं था। इसमें इसे निम्न जाति के लोगों का विशेष समर्थन इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था थी नहीं, सभी के लिए ये खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश मिला, यहाँ देखिएगा, जब भी हमने कहा पहले स्त्रियों को प्रवेश नहीं था लेकिन बाद में मिल गया, और इससे बौद्ध धर्म का प्रचार होने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके उपदेश पद्धति ने धर्म प्रचार में उन्हें बड़ी मदद दी, यानी बुद्ध का जो व्यक्तित्व था और उनका उपदेश देने का जो पद्धति हुआ करती थी उससे धर्म प्रचार में बहुत ज़्यादा महत्व मिलती है। आम जनता की भाषा में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, इसीलिए उसका प्रसार भी बहुत ज़्यादा हुआ। संघ के संगठित प्रयास से भी धर्म प्रचार और प्रसार में सहयोग मिला। तो जब इतना अच्छा धर्म था तो फिर इसमें पतन क्यों हुआ? दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, कितनी भी अच्छी हो, एक दिन उसका पतन होता ही है। तो यहाँ भी कुछ कमियाँ धीरे धीरे कालांतर में आनी शुरू हो जाती हैं, सिस्टम में लूप होल आ जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका था। 12वीं सदी तक यह धर्म बिहार और बंगाल में जीवित रहा, किंतु उसके बाद यह पूरे देश से ही लुप्त हो गया। ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था, अंततः वही उन्हीं से ग्रस्त हो गया। यानी जैसे मूर्ति पूजा और कर्मकांड, इनसे हट करके तो बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था, लेकिन यही बुराइयां इसमें वापस आने शुरू हो गई, इसलिए खत्म हो गया। भिक्षु धीरे धीरे आम जनता के जीवन से कट गए, यानी वो अलग ही रहना शुरू कर दिया, और उन्होंने पाली भाषा को त्याग दिया, संस्कृत को अपना लिया। इसलिए भी दिक्कत हुई, फैला क्यों था, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि पाली भाषा जन जन की भाषा थी इसलिए वो फैल पाया था, लेकिन यहाँ नहीं थी जन जन की भाषा, इसलिए खत्म हो गया। धीरे धीरे बौद्ध विहार भी जो है वो विलासिता के केंद्र बनते चले गए। ईसा की पहली सदी से बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई, उन्हें भक्तों और राजाओं से दान मिलना शुरू हो गया। जब ऐसी चीज हो जाए तो फिर उस धर्म में भ्रष्टाचार हो ही जाएगा, ये भी भ्रष्टाचार है ना, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा हो, भक्तों, ये दान जो है ये काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार का उस समय कारण बनता है। स्त्रियों विहार जो थे, विहारों में स्त्रियों को रखा गया, इसके कारण उनका नैतिक पतन भी होना शुरू हो गया। विहारों में, ये विहार है दोस्तों, विहारों में एकत्रित धन के कारण तुर्की हमलावर जो है ललचाई दृष्टि से देखते थे, और इसी कारण से जो बौद्ध विहारों के ऊपर विशेष रूप से हमले किए गए थे। और इस प्रकार से हम देखें तो बौद्ध धर्म जो है अपने जन्मभूमि से ही 12वीं शताब्दी तक समाप्त हो गया। तो क्या कारण रहा कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म समाप्त हो गया? एक तो ये हम माने कि जिस ब्राह्मण धर्म की बुराइयों के विरुद्ध बौद्ध धर्म खड़ा हुआ था वो खत्म, वही उसके अंदर आनी शुरू होगी। दूसरा, प्रचार प्रसार नहीं हो पाया क्योंकि एक तो उसने अपनी मूल भाषा पाली भाषा को ही त्याग दिया, दूसरा ये विलासिता के केंद्र बन गए थे, यहाँ पे पैसा आ गया, दान आना शुरू हो गया, बिना कुछ किए इतना कुछ आना शुरू हो गया, तो विलासिता तो आनी ही थी, और ये मूर्ति पूजा जैसी थी ये चीज़ें यहाँ पर भी आनी शुरू हो गई, विहारों में स्त्रियाँ आनी शुरू हो गई, जिसके कारण इसका नैतिक पतन भी हो गया। फिर यहाँ पर जो धन एकत्रित हुआ करता था दान दक्षिणा के कारण, तो हमलावर जो हैं वो भी तैयार रहा करते, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है अपनी जन्मभूमि से लगभग लुप्त प्राय हो जाता है।
अब हम बात कर लें बौद्ध धर्म के योगदान की, हमें क्या लाभ मिला। तो सामाजिक समानता जो है वो इसी की देन है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक समानता इसी से आती है। स्वतंत्र और तार्किक चिंतन को महत्व दिया गया और एक प्रकार से बौद्धिक विकास का मार्ग जो है यहाँ से प्रशस्त होता है। बुद्ध ने ब्याज पर धन देने और समुद्र पार यात्रा को वेद बताया, इससे व्यावसायिक विकास हुआ। जो ब्याज का जो कंसेप्ट है वो आता है, इसको सही बताया, समुद्र पार यात्रा को वेद बताया, इससे जो व्यावसायिक विकास है वो बहुत ज़्यादा हुआ। इसके अलावा विहार वगैरह बने जिससे स्थापत्य कला के अंदर बहुत ज़्यादा विकास होता है। अब कला स्थापत्य कला के लिए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति हमेशा देखिए ऋणी ही रहेगी। स्थापत्य कला में हम बात करें तो आपने सांची का नाम सुना होगा, सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, बरहुत का जो स्तूप है, गया अमरावती में मंदिर कार्ले की जो गुफाएं हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। अजंता एलोरा में गुफा चित्रकला आई। तो इस प्रकार से विभिन्न देखिए भारतीय कला न केवल भारत में बल्कि बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गई। तो इसके कारण भी बौद्ध धर्म का ही मुख्य योगदान हम इसमें मान के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सामान्य भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया, इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी बहुत ज़्यादा हो पाया था। अब अंत में हम बात कर लेते हैं बुद्ध के जीवन के प्रतीक। हमने कहा ना प्रतीकों के बारे में इनसे बात की जाती थी। तो प्रतीक चिन्ह में गर्भ का प्रतीक है हाथी, जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, महाविनिष्क्रमण यानी ग्रह त्याग। महाविनिष्क्रमण जो शब्द है वो किसके लिए आता है, वो ग्रह त्याग के लिए आता है, महाविनिष्क्रमण। और इसका जो प्रतीक है वो था घोड़ा। इसका प्रतीक क्या है दोस्तों, घोड़ा है। ज्ञान के लिए पीपल या फिर बोधि वृक्ष को अपने लेते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है चक्र, और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। ये आपको रट्टे लगा लेने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, दोबारा देख लीजिएगा। गर्भ से हाथी हैं, जन्म का कमल या सांडी है तो याद रखना ही रखना है। महाविनिष्क्रमण यानी ये तो ग्रह त्याग यानी भागना, तो इस प्रकार से आप घोड़े की कल्पना यहाँ पर कर सकते हैं। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे, तो वो हो गया। महापरिनिर्वाण के बाद में क्या बने, स्तूप बने थे ना, तो स्तूप हो गया। धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ चक्र है, तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। आठ महास्थान जो इनके इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी जन्म हुआ था यहाँ पर, गया और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश इनके द्वारा दिया गया जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, चक्र है। कुशीनगर जो है महापरिनिर्वाण, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप है। राजगृह जो था वहाँ पर नाल हस्ती दमन का प्रतीक है, और ये स्थान है क्योंकि नाल नामक मदमस्त हाथी था, उसका दमन इसके द्वारा किया गया था। श्रावस्ती जो है यहाँ पर जेतवन विहार का निर्माण किया गया था, और सर्वाधिक उपदेश भी यहीं पर दिए गए थे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। संकिसा क्या है, तो संकिसा स्थान यानी तुक्षिता स्वर्ग या स्वर्गागमन, अपनी माता महामाया को उपदेश देने के लिए ये स्वर्ग में गए थे और वापस जो है संकिसा में अवतरण लिया था। वैशाली जो है वज्जियों के आग्रह पर बुद्ध के द्वारा यहाँ महाप्रदर्शन किया गया था। क्या किया गया था, महाप्रदर्शन। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बौद्ध धर्म को बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।